Hey guys, welcome back to another exciting video. My name is Avnash and you are watching SPTech Pro. आज के इस वीडियो में हम करने वाले Intel 10th generation i5 PC build करने वाले। इस PC build में आप कौन से part use कर सकते हो और आपको क्या क्या option यहाँ पर मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी i5 प्रोसेसर से PC build करना चाहते तो ये वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। 10th generation i5 से PC build कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोसेसर के बारे में बता देता हूँ। ये जो प्रोसेसर है ये 6 core और 12 threads के साथ आपको मिलता है और ये आपको अप टू 4.5 GHz तक की स्पीड देता है। और इस प्रोसेसर का सॉकेट टाइप जो है वो LGA1200 है और ये प्रोसेसर इंटेल 400 सीरीज चिपसेट के साथ कंपेटेबल है। और इस प्रोसेसर का जो TDP है वो 65W है। इस प्रोसेसर से आप गेमिंग और स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, साथ ही आप इससे वीडियो एडिटिंग का अगर आपका काम है तो आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। इस प्रोसेसर के साथ आपको कूलर इंक्लूडेड मिलता है, पर यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आफ्टर मार्केट कूलर जो है वो परचेस कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपका सिस्टम में कोई हीटिंग का इश्यू नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर डीप कूल का गैमेक्स 400 CPU एयर कूलर है वो लगा सकते हैं, या फिर आप ARGB के साथ जाना चाहते तो आप थर्मल टेक का UX200 ARGB एयर कूलर लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा मेन पार्ट आता है मदरबोर्ड। तो यहाँ पर मैंने मदरबोर्ड चूज किया है गीगावाइट का B460M मदरबोर्ड जो कि ड्यूएल NVMe PCIe Gen 3x4 M.2 स्लॉट के साथ आता है। और अगर आप MSI के साथ जाना चाहते तो आप MSI का मदरबोर्ड भी यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर MSI का B460M Pro मदरबोर्ड भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसके बाद RAM जो है वो मैंने यहाँ पर XPG ADATA GAMX D30 8GB RAM जो है वो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है जिसकी फ्रिक्वेंसी 3000 MHz की है। या फिर आप क्रॉस एयर के साथ जाना चाहते तो आप यहाँ पर क्रॉस एयर का भी 3000 MHz वाला 8GB RAM बाय कर सकते हैं। आपका सिस्टम के लिए 8GB RAM सफिशेंट रहेगा। अगर आप गेमिंग भी करते हैं या फिर आप वीडियो एडिटिंग भी करते हैं तो भी आपको 8GB के ऊपर RAM लगाने की जरूरत नहीं है, आपका जो वर्क है वो 8GB RAM में आराम से हो जाएगा। उसके बाद हम RDX की तरफ चलते हैं। RDX में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप M.2 NVMe SSD लगाएं। इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और ये SSD से भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। तो अगर आप गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग करते तो आपको इसकी ज़रूरत रहेगी तो आप यहाँ पर M.2 ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप M.2 NVMe नहीं लगाना चाहते तो कम से कम आप 240GB या 250GB की SSD ज़रूर लगाएं। अगर आप M.2 NVMe नहीं लगाना चाहते तो आप कम से कम सैमसंग का 860U 250GB का 2.5 इंच साटा SSD ज़रूर लगाएं, या फिर आप WD के साथ जा सकते हैं। WD का 240GB का यहाँ पर हार्ड डिस्क आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप हार्ड ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं 1TB 2TB का, जितना भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप इस सिस्टम में हार्ड डिस्क इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि वो आप WD का 1TB का हार्ड डिस्क यहाँ पर लगाएं। उसके बाद जो ग्राफिक कार्ड है यहाँ पर मैंने ग्राफिक कार्ड जो है वो 1650 4GB ग्राफिक कार्ड सिलेक्ट किया है। तो ये ग्राफिक कार्ड आपको गेमिंग और वीडियो एडिटिंग दोनों में भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा। अगर आपका PC बिल्ड का पर्पज़ गेमिंग है तो आप इसके ऊपर का 1660 ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं, या फिर उसका आगे का भी आप ग्राफिक कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। बट आपको उस सिचुएशन में अगर आप 60+ FPS पाना चाहते तो आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले वो भी हाई रिफ्रेश रेट वाला ही डिस्प्ले लगाना होगा। MSI के साथ जाना चाहते तो आप यहाँ पर MSI का भी GTX 1650 बाय कर सकते हैं। और अगर आप जोटेक के साथ जाना चाहते तो आप यहाँ पर जोटेक का भी 1650 ग्राफिक कार्ड जो वो बाय कर सकते हैं। उसके बाद हम पावर सप्लाई के बारे में बात करते हैं। पावर सप्लाई आपको यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी पार्ट यहाँ पर चूज किए इन सब के हिसाब से आपको 450W का पावर सप्लाई सफिशेंट है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर 550W का पावर सप्लाई लगाएं, क्योंकि अगर आप मल्टीपल हार्ड ड्राइव वगैरह इन फ्यूचर लगाना चाहते तो भी आपका पावर सप्लाई आपका सिस्टम को हैंडल करने में कैपेबल रहेगा। आपका पावर सप्लाई जो है वो इन सारी चीजों को हैंडल कर सकता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर 550W का ही पावर सप्लाई लगाएं। यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई जो है वो क्रॉस एयर का VS550 पावर सप्लाई चूज किए हैं। और अगर आप क्रॉस एयर के अलावा दूसरा ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एंटेक का B550 पावर सप्लाई भी बाय कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा आखिरी कंपोनेंट है हमारा कैबिनेट। तो कैबिनेट मैंने यहाँ पर क्रॉस एयर का 110R
मिड टावर एटेक्स केस चूज किया है। बट यहाँ पर जो केस है वो आप आपके हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपको केस पसंद आता है वो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो केस है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर पीसी पार्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप आपके हिसाब से कोई भी एक यहाँ पर पीसी केस चूज कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉस एयर के साथ जा सकते हैं। और ये जो सभी मैंने पार्ट बताए इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसके जो लेटेस्ट प्राइस है ये आप चेक कर सकते हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसका जो कॉस्ट है वो अराउंड 65,000 है। अभी आपने देखा कि किस तरह आपको i5 प्रोसेसर से पीसी बिल्ड करना है, इसमें कौन से पार्ट यूज करने हैं और कौन से ऑप्शन है, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इस तरह के न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।